Clear? Done? Done? The screen load हो रहा है. Yes. ओके okay, अब आर्टिफिशियल में क्या होगा, मतलब बाहर से वैक्सीनेशन देंगे. बाहर से वैक्सीनेशन देंगे, ठीक है. क्या देंगे? बाहर से वैक्सीनेशन देंगे, ठीक है. तो ये जो नेचुरल है, ये नेचुरल में क्या होगा, एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा. और आर्टिफिशियल में भी क्या होगा, एक्टिव होगा और पैसिव होगा. क्लियर है? इसमें नहीं होगा, एक्वायर्ड में एक्टिव पैसिव दोनों होते हैं, ठीक है. तो अभी जैसे आईजीजी आईजीए है, तो आईजीए क्या है, वायरस बैक्टीरिया है कि कोई एक ये वैक्सीनेशन का टाइप है? मतलब जो आईजीए है वो इम्यूनोग्लोबिन है कि बैक्टीरिया है? इम्यूनोग्लोबिन है. तो क्या है, मतलब क्या है वो, एंटीबॉडीज है. अगर वो एंटीबॉडीज है तो मतलब कि ऑलरेडी किसी बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज बनाया गया है, मारने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी? तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ये होगी कि बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में आया, बॉडी ने क्या किया, फाइट किया, क्या बना के रख दिया, एंटीबॉडी. फाइट किया ना, तो फाइट करके क्या बना दिया, एंटीबॉडीज बनाएगा. क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा. क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज. तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बाकी के क्या कर रहे हो? आ रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, पहले ये मेरे को बताओ. एक्टिव में एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी. पैसिव yes. में नहीं लगेगी. पैसिव में नहीं लगेगी. नहीं लगती, ठीक है. अभी मेरे को ये बताओ कि जो एक्टिव वाला बंदा है उसमें क्या हुआ, हम लोग ने क्या दिया, वैक्सीन दिया कि हम लोगों ने उसको बैक्टीरिया दिया? बैक्टीरिया दिया ना पैसिव में बैक्टीरिया. अरे यार, जो वैक्सीन दिया मतलब वो बैक्टीरिया दिया. अभी हम लोग कोरोना का क्या दे रहे हैं, ये एंटीबॉडीज दे रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब कि कोरोना का इंजेक्शन दे रहे हैं? इंजेक्शन. कोरोना का इंजेक्शन दे रहे हो ना? इंजेक्शन दे रहे हैं. कोरोना का जब आप वीकेंड इंजेक्शन दे रहे हो तो उससे अपनी बॉडी में जाकर के फीवर बॉडी ये हेडेक कर रहा है ना. तो मतलब क्या होता है, जैसे ही वो वायरस अपने बॉडी में जाता है, अपने बॉडी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फाइट करके क्या बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन. अंडरस्टूड? यस सर. यस. अब आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जांपल दोगे तो मैं जानता हूँ कि आप लोग को समझ में आया. और पैसिव का एक एक एग्जाम्पल दे दो. सर, पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज डालेंगे, मतलब टेटनस जैसा डेडली वायरस. गुड. तो उसमें क्या होगा, जो ये होगा तो इसमें हम लोग सीधा का सीधा क्या डालेंगे, एंटीबॉडीज डालेंगे. क्या डालेंगे, एंटीबॉडीज डालेंगे. तो आर्टिफिशियल में जो एंटीबॉडीज होता है, तो ये एंटीबॉडीज कहाँ से मिलेगा? सो वी आर यूजिंग एंटीबॉडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, ठीक है. तो इसमें क्या मिलेगा, एंटी बॉडीज फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स. कहां से आएगा, हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, याद रखो. सर, तो मतलब एक्टिव वाला ज्यादा अच्छा होगा ना कि वो मेमोरी रखेगा?
मेमोरी तो दोनों रखेंगे, देखो कैसा होता है ना, मेमोरी में ठीक है एक्टिव वाले में, लेकिन क्या होता है ना कुछ एवर ऐसा होता है कि अपनी बॉडी सामने वाले पहचान के लिए हम लोग प्रोफेसिस यूज कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी बेटर, एंटीबॉडीज ऑलरेडी हम लोग ने गन लोड करके रखा है ना, पैसिव का मतलब क्या हुआ, काम नहीं करना पड़ा, गन लोडेड है, लेकिन क्या होगा एक्टिव में क्या होगा, बैक्टीरिया आएगा तब गन लोड करना चालू करेंगे, तो कौन सा अच्छा है, सर सर वो मेमोरी क्या होता है सर बताओ ना एक बार, बताता हूँ रुको, अभी अगर इंडिया को पता होता कि कसाब आने वाला है तो इंडिया वाले सो रहे होते थे कि तैयारी करके रखे होते, तैयारी में रहते थे, वो अच्छा था कि कसाब बिना बताया आ गया, वो अच्छा था बिना बताया आ गया, बिना बताया अच्छा था, वो बुरा था, तो ऐसे ही बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में आता, अब एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव आर्टिफिशियल में कुछ ऐसे वो रहेंगे जैसे आपका कोरोना, कोरोना किसमें आएगा, एक्टिव, एक्टिव आर्टिफिशियल में आएगा, क्योंकि कोरोना नेचुरल नहीं है ना, हाँ सर हाँ, कोरोना को हम लोग उसका उसको लैब में बना करके हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं ना, सो इट इज इनएक्टिवेटेड वायरस, ठीक है, विच कैन नॉट प्रोड्यूस कोरोना बट इट कैन एक्टिवेटेड बॉडी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी विच किल्स कोरोना, अंडरस्टूड, यस सर, डाउन सर, वो लास्ट में क्या लिखे हो सर, सर दिख नहीं रहा सर लास्ट के दम, पैसिव, पैसिव, पैसिव में क्या होता है, वी आर यूजिंग डायरेक्टली एंटीबॉडीज फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, क्या सर फिर से बोलो लास्ट का वर्ड, हाइपर इम्यूनाइज्ड मतलब कि जो हॉर्स होता है उसको हाइपर इम्यूनाइज्ड करते हैं, जिसकी वजह से हॉर्स में बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडीज बनता है, ठीक है, वो एंटीबॉडीज को हम लोग एस्ट्रेट करके भी इंजेक्ट, ओके सर, स्नेक बाइट का भी ले सकते हैं एग्जांपल, हाँ दैट इज कॉल्ड द एएसबी, व्हाट इज द एएसबी, एंटी स्नेक वेनम, यस सर, done everyone, no sir, no sir, सही है, आईजीए का फुल फॉर्म क्या था, हीमोग्लोबिन ए, डन सर, डन एवरीवन, यस ओके, ओके चलो बी लिम्फोसाइट के बारे में, चलो मैं लिम्फोसाइट के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, आप लोग वो सब लिख लो, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ठीक है, पहले मैं किसके बारे में बताऊँ, पहले आप लोगों को बी के बारे में बताऊँ, टी के बारे में, सर बी, चलो बी के बारे में लिखना चालू करो, मैं फटाफट बोलूंगा, प्लीज बार बार क्या क्या मत करना, मैं लिख के दे देता था लेकिन ये था, ठीक है, लिखो, B lymphocytes are sensitized. B lymphocytes are sensitized both directly by antigen as well as by helper cells.
हेल्पर एंड बाय लुक हियर बी लिम्फोसाइट्स आर सेंसिटाइज्ड बोथ डायरेक्टली बाय एंटीजन या तो एंटीजन के थ्रू या तो बाय हेल्पर टी सेल्स. Done. Yes, sir. Next point. Activated B lymphocytes multiplies very fast to produce clone of plasma cells and memory B cells. Activated B lymphocytes. Activated lymphocytes multiplies very fast to produce clone of plasma and memory B cells. To produce clone of plasma cells and memory B cells. ठीक है? Done. Yes. That plasma cell produce specialized glycoprotein is called as antibodies. Write down next point. Sir, एक बार repeat करना. Third point. Was that plasma one? The plasma cell produce specialized glycoprotein called antibodies. स्पेशलाइज्ड के बाद सर प्रोड्यूस के बाद क्या बोले सर प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एज एंटीबॉडीज बताया ना ग्लाइकोप्रोटीन बोलो तो इम्यूनोग्लोबिन नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज Yes, sir. Done. Done, everyone? Yes, sir. Yes. Okay. So these are the all specialized antibodies. See, guys, that antibodies pass through a body fluid that is called the humor. Antibodies sir, repeat now. कहाँ तक हुआ था अपना यहाँ तो एंटीबॉडीज हुआ था ना जो एंटीबॉडीज है दैट एंटीबॉडी पास थ्रू बॉडी फ्लूइड दैट इज कॉल्ड द ह्यूमर लाइक ब्लड एंड लिम्फ मींस दैट एंटीबॉडी सर्कुलेट इन आवर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ डन सर ह्यूमर के बाद क्या बोला ह्यूमर मतलब जो बॉडी फ्लूइड है ना उसी को ह्यूमर बोलते हैं मैंने बताया था ना आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी Yes. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी ह्यूमर वर्ड कहाँ से आया बिकॉज ऑफ इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक हेंस इट इज कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यूनिटी डन सर एक बार ये पॉइंट एक बार फिर से बोलना सर दैट एंटीबॉडीज पास थ्रू बॉडी फ्लूइड like blood and lymph bracket mein which is called a humor bolo next yes that yes sir next point yes the antibody the antibody molecules may bind to a cell membrane और दे मे रिमेन फ्री जो एंटीबॉडीज होते हैं क्या होते हैं आइदर दे आर बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन और दे आर फ्री मे बाइंड विद सेल मेम्ब्रेन उसके आगे
और दे में रिमेन फ्री, या तो वो सेल बाइंड के साथ रहते हैं बॉडी में या तो फ्री स्टेट में भी रहते हैं, ठीक है। डन डन सर। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो फंक्शन ऑफ फ्री एंटीबॉडीज, फंक्शन ऑफ फ्री एंटीबॉडीज बोलू। यस। पहला लिखो एग्जुलेशन, एग्लुटिनेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर, एग्लुनिट बोलू। लिखो एग्लुटिनेशन ऑफ क्या, एग्लुटिनेशन ऑफ पर्टिकुलेट मेम्ब्रेन। सर का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के साथ वो चिपक जाते हैं। एग्लुटेशन मतलब बताता है कॉगुलेशन, ब्लड का कॉगुलेशन सुने हो क्या? ब्लड क्लॉट हो जाना। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ये क्या करते हैं, दे अटैच विद बैक्टीरिया एंड अटैच टू अधेरेंट टू देम, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो हाँ सर बोलो। डन इतना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट द इमोबिलाइज्ड मास आगे सर, द इमोबिलाइज्ड मास इंच लिखे, द इमोबिलाइज्ड मास इज देन इंगल्फ बाय पैथोजेन। मास इज द इमोबिलाइज्ड मास इज देन इंगल्फ बाय फैगोसाइट, मतलब वो क्या करेंगे, जो मास बनेगा ना, देखो क्या हुआ, एग्लुटिनेशन हो गया तो मास बनेगा ना उसका। अरे देखो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, ठीक है, और कोई कुछ भी है, मतलब बैक्टीरिया वायरस फंगाई कुछ भी है, ठीक है, जो ब्लड में है उसके साथ वो पहले क्या होगा, एग्लुटिनेशन होगा, क्या होगा, एग्लुटिनेशन होगा, फिर क्या बनेगा, मास बनेगा, सो दैट मास इज एंगल्ड बाय फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया। देखो ऑप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, सर ऑप्सोनाइजेशन का स्पेलिंग लिखो सर। ऑप्सोनाइजेशन लिखा, ऑप्शनाइजेशन का ही मतलब क्या है, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट देयर सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस। सर एक बार फैगोसाइटोसिस बता देना थोड़ा सा। अरे फैगोसाइटोसिस नहीं पता आप लोगों को, देखो पहले क्या हुआ, ये बैक्टीरिया भाई साहब घूम रहे थे, ठीक है, बैक्टीरिया भाई साहब घूम रहे थे तो इनको किसने देखा, बी लिम्फोसाइट ने, किसने देखा, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में कुछ स्पेसिफिक है क्या? नहीं। नो सर। वो सब आया करके इसको 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 छिपक गए, सब लोग आके छिपक गए, देखो 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 कोई तो आया, कोई तो आया, कोई तो आया, कोई कोई तो आया, कोई ऐसे छिपक गए। तो अब ये क्या बन गया, मास बन गया, क्या बन गया, मास बन गया, क्या बन गया, मास बन गया। तो ये जो मास है अब इसको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कैसे खाना पड़ेगा, थ्रू द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, ये सेल है और सेल ने इसको क्या किया,
खा लिया। फैगोसाइटोसिस पता है ना आप लोगों को, जैसे कोई बैक्टीरिया है और ये सेल ऐसा मुंह बनाएगा और नेक्स्ट स्टेज पे ये इसको खा जाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्शनाइजेशन। व्हाट इज द ऑप्शनाइजेशन? दैट इज कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट देयर सबसिक्वेंट फैगोसाइटोसिस। इसका एग्जांपल क्या है? टिटनेस टॉक्सिन। क्या है? टिटनेस टॉक्सिन। सर आपने वो ऑप्शनाइजेशन से क्या बात क्या है बोला? ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन इज व्हाट? दैट इज कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट देयर सबसिक्वेंट फैगोसाइटोसिस। Then everyone, आगे चले। सर वो आपने ऑप्शनाइजेशन का एग्जांपल बोला, वो बोलो। मैंने ऑप्शनाइजेशन का एग्जांपल नहीं बोला, मैंने बी लिम्फोसाइट का एग्जांपल बोला। दैट इज टिटनेस टॉक्सिन। हम लोग टीटी का इंजेक्शन देते हैं तो अंदर क्या बनता है? एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज सर, एंटीबॉडीज। हां, कम टू द नेक्स्ट। टी लिम्फोसाइट फटाफट लिखो। टी लिम्फोसाइट फॉर्म वेयर? इट फॉर्म इन बोन मैरो। थायमा इज फॉर्म इन बोन मैरो, ठीक है। और इट मैच्योर इन थायमस ग्लैंड, ठीक है। तो इट इज ऑफ फोर टाइप। हाउ मेनी टाइप? फोर टाइप। पहला लिखो हेल्पर टी सेल्स। लिखो हेल्पर टी सेल। बोलू हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल का काम लिख लो। इट सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल। सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूसेस लिम्फोकाइंस। अरे यार बार बार मेरे को रिपीट मत करो। सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल। सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस फॉर परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन लाइक perforation of other T cells and stimulation of B lymphocytes and attraction of macrophages. तो helper T का कितना काम है? कितना काम है helper T का? तीन काम है। पहला क्या करेगा? lymphocytes बनाएगा। lymphocytes क्या करेगा? वो दूसरे को क्या करेगा? proliferate करेगा other T cells को। क्या करेगा? other T cells को proliferate करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? हु विल हेल्प? हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स कौन करेगा? हेल्पर टी सेल्स, ओके। एंड लास्ट वन इज व्हाट? अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। मतलब जहां जहां पे हेल्पर टी सेल चल रहेगा वहां पे बी लिम्फोसाइट भी आएगा। और कौन आएगा? हेल्पर टी सेल्स आएगा। क्या आएगा? बोलो। हेल्पर टी सेल करेगा ना? हाँ। नेक्स्ट किलर टी सेल। ये अट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का आप जरा बताओ। अरे यार फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? हेल्पर टी सेल्स है वो बंदा लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करेगा जिसका काम क्या है? परफोरेशन करने का। किसमें काम? परफोरेशन करने का काम है सेवरल टाइप्स अदर, मतलब कि जो भी है ये जो लिम्फोकाइंस है तो ये करेगा। इट हेल्प्स इन सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक अब जैसे परफोरेशन करता है अदर टी सेल्स का, सॉरी प्रोलिफरेशन। क्या करेगा? प्रोलिफरेशन कट करो। हाँ, प्रोलिफरेशन ऑफ अदर सेल्स। हेल्पर सेल का क्या काम है? अच्छा ये बताओ, अगर आपको एग्जाम में हेल्पर दे दिया जाएगा
तो पढ़ाई करके कौन आएगा? हेल्पर वाला पढ़ाई करने आएगा कि लिखने आएगा? लिखने आएगा। आपको मालूम है ना, जिसके हाथ नहीं होते हैं तो उसको हेल्पर मिलता है एग्जाम में लिखने के लिए। हाँ। और वो जो हेल्पर आता है वो अपने दिमाग से पेपर लिखता है कि वो जो सामने वाला बोलता है वही लिखता है? जो बोलता है सर वही बोलता है। उसका नाम क्या है? लिम्पो काइन। अरे यार, हेल्पर टीचर्स ना। अच्छा, तो क्या काम करेगा? हेल्प करेगा। हेल्प करेगा। तो ये बी लिम्फोसाइट का हेल्प कैसे किया? बाय प्रोड्यूसिंग लिम्फोकाइंस। क्या? बाय प्रोड्यूसिंग लिम्फोकाइंस। और दूसरा क्या है? इट आल्सो स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट। जब ये दोनों को स्टिमुलेट करेगा मतलब इसके जगह पे कुछ हुआ है क्या? उसके जगह पे कुछ हुआ होगा ना। तो अगर इसकी जगह पे कुछ हुआ है तो वो किसका अट्रैक्शन करेगा? इट विल अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस। क्लियर है अब? यस। नेक्स्ट, किलर टी सेल्स। देखो, पहला हेल्पर था, दूसरा क्या है? किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, राइट डाउन। बोलू? यस। दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इनवेडिंग माइक्रोब्स। डिस्ट्रॉय के बाद दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इनवेडिंग माइक्रोब्स। इनवेडिंग माइक्रोब्स मतलब जो आपके बॉडी में घुस गया है उसको मारने की कोशिश करेगा। इनवेडिंग माइक्रोब्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स। बोलू नेक्स्ट लाइन? किलर टी सेल्स बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल एंड सीक्रेट परफोरिन। क्या सीक्रेट करेगा? परफोरिन। एंड दैट परफोरिन प्रोड्यूस होल्स इन अ इन्फेक्टेड सेल एंड आल्सो रिलीज द किलिंग सब्सटेंस। किलर टी सेल्स किसको बाइंड करेगा? तो फिर बोले बना सर। सर आप थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना प्लीज। किलर टी सेल्स, सुनो, किलर टी सेल्स डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इनवेडिंग माइक्रोब्स। कितना लिखा? इनवेडिंग इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स। तो ये तीन लोगों को अटैक करेगा, एक तो जो बाहर से हुए आए हुए माइक्रोब्स हैं, दूसरा इन्फेक्टेड सेल्स को, और तीसरा कैंसर सेल्स को। इतना लिखा? हाँ सर। नेक्स्ट, तो किलर टी सेल्स, नेक्स्ट क्या है? किलर टी सेल्स बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल्स। किससे बाइंड होगा? इन्फेक्टेड सेल्स से। और क्या प्रोड्यूस करेगा? परफोरिन। क्या प्रोड्यूस करेगा? परफोरिन। उसका नाम ही क्या है? परफोरिन। तो परफोरिन क्या करेगा? परफोरेशन का काम करेगा। हाँ, सो दैट परफोरेशन परफोरिन प्रोड्यूस इन अ होल इन अ होल इन अ इन्फेक्टेड सेल्स एंड इट रिलीज द सेल किलिंग सब्सटेंस। और क्या प्रोड्यूस करेगा? सेल किलिंग। वो होल वाला पार्ट वापस बताओ। ये बैक्टीरिया है और ये लिम्फोसाइट है, समझा? ये लिम्फोसाइट एक परफोरिन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? परफोरिन। और ये जाकर के इसके अंदर ऐसे क्या बना देगा? होल बना देगा, जिसकी वजह से ये मर जाएगा, समझा? समझा? यस सर। नेक्स्ट, सप्रेसर टी सेल्स। थर्ड कौन सा है? थर्ड वन इज व्हाट? सप्रेसर टी सेल्स। राइट डाउन। इट सप्रेस इंटायर इम्यून सिस्टम।
What is the suppressor T cells? These cells suppress entire immune system to attack on the own body cells. मतलब जब अपने बॉडी को खुद ही की बॉडी पे अटैक करना रहता है तो क्या करता है, किसका काम है, यूज करता है सप्रेसर टी सेल्स का, सप्रेसर टी सेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स का क्या काम है, द सेल वर प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड एंड रिटेन द सेंसिटाइजेशन फॉर फ्यूचर। तो मतलब जो ये सेंसिटाइज्ड होता है तो ये क्या करता है, उस सेंसेशन को लाइफ टाइम आपके बॉडी में रखता है ताकि अगली बार वो डिजीज आएगा तो दे विल फाइट ना। यस सर। चलो सर मेमोरी टेस्ट एक बार रिपीट करो सर। These cells were previously sensitized and retain the sensitization for future. Okay, sir. अच्छा B lymphocytes जो हम लोग ने किया हुआ है ना छोटा सा, उसमें एक चीज और है उसको भी चलो लिख लेते हैं। लिख लो, जैसे lymphocytes होता है ना वैसे एक cells और होते हैं जिसको बोलते हैं antigen presenting cell। क्या बोलते हैं उसको, antigen presenting cell। Please write it down। नहीं, जैसे लिम्फोसाइट्स है ना तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, वैसे यहाँ पे एक अलग टाइप है, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बोलो ये दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल which include macrophages, write down, which includes macrophages, B lymphocytes and dendritic cell, likha? Macrophages ke baad sir? Macrophages and B lymphocytes and dendritic cells. तो उसके पास कितने सेल्स होते हैं, तीन, कौन से तीन सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। सब उन लास्ट वाले सेल का आप लिख सकते हो स्पेलिंग, डेंड्राइटिक, जैसे डेंड्राइट्स लिखते हैं ना वैसे ही, रुको, डेंड्राइटिक। डन नेक्स्ट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एनगल्फ इनवेडिंग पैथोजेन एंड प्रोसेस द एंटीजन। ये करेगा एंटीजन, इसका नाम ही क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को क्या करेगा, एंगल्फ कर लेगा और उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो किसको एंगल्फ करेगा, करो ना मतलब कि अगर डिटेक्टर का आपको लिखवाना है तो मतलब कि इसलिए बोलता हूँ, जो नोट्स बनाते हो ना तो उसको लिखा करो, डोंट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सबसे पहले क्या मैंने आप लोगों को बोला, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, जिसके पास कौन से तीन सेल होते हैं बताओ फटाफट, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल, इतना लिखा सबने। नेक्स्ट, इसका नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन, तो ये एंटीजन कौन है, इसका भाई है कि इसका दुश्मन है, भाई भाई है, अभी मारूंगा ना, भाई है इसका, नो सर दुश्मन, क्या बोला था, एंटीजन कौन है, पैथोजन है ना, द फॉरेन पार्टिकल, दीज आर द एंटीजन ना, तो इसका दुश्मन है, तो ये क्या करेगा, उसको खाएगा और उसको प्रेजेंट करेगा। तो सुनो, नेक्स्ट लाइन इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एनगल्फ, सुनो एनगल्फ, एनगल्फ बोले कोई या कोई बोले आप लोगों को, इनवेड,
कोई बोले आपको फैगोसाइट, ये सब का मतलब एक ही होता है, समझे क्या? ओके, सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एनगल्फ इनवेडिंग पैथोजेन एंड प्रोसेस द एंटीजन। इसने क्या किया, जो क्या है, जो इनवेडिंग पैथोजेन है उसको क्या किया, इनवेडिंग पैथोजेन जो था उसको क्या कर दिया, एंगल्फ कर लिया। तो एंगल्फ कर लिया मतलब क्या हो गया, खा लिया, और उसके ऊपर क्या किया, प्रोसेस किया। क्या किया, प्रोसेस किया। देन द प्रोसेस्ड एंटीजन आर प्रेजेंटिंग ऑन द सरफेस। किसका प्रोसेस किया, जिसको एंगल्फ किया था उसको प्रोसेस किया, इनवेडिंग पैथोजन। हाँ, इनवेडिंग पैथोजन को जो उसने क्या किया, खा लिया, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उस सेल के सरफेस पे वो बंदा दिखाई दे रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अंडरस्टूड? प्रेजेंट मतलब कहीं तो दिखना चाहिए ना, प्रेजेंट कर रहे हो। समझा? हाँ। नेक्स्ट, दीज सेल्स आर एबल टू डिलीवर को स्टिमुलरी सिग्नल इट इज नेसेसरी फॉर टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। तो मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए स्टिमुलेशन भी देता है, ठीक है? तो यू कैन राइट इट ऑल्सो गिव द स्टिमुलेशन टू एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट्स। Done everyone? हो गया? Yes sir. तो देखो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में क्या क्या लिख के दे दिया, तीन चीज लिख के दिया। पहले मैंने आप लोगों को इम्यूनिटी का टाइप बता दिया पूरा विथ एग्जाम्पल। दूसरा क्या बताया मैंने आप लोगों को, लिम्फोसाइट पढ़ाया। लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दोनों का मैंने टाइप भी बताया। बी लिम्फोसाइट इज हैविंग हाउ मेनी टाइप, फाइव टाइप, दैट इज गेम। टी लिम्फोसाइट कितने टाइप है, फोर मेन टाइप है, इसके सब टाइप्स भी हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या बताया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब कि क्या हुआ कि आपने मछली खाई और मछली आपके पेट के बाहर दिखाई दे रही है, तो मतलब यू आर प्रेजेंटिंग द फिश, ठीक है? पर होता है क्या ऐसा ह्यूमन बींग में? नहीं होता, ठीक है? चले आगे। Yes, sir. So, 1 minute बाद। 1 minute बाद तो मैं तो स्लाइड चेंज कर लूँ।